गुजरात में भारी बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। गुजरात के कई हिस्सों में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। आज भी मौसम विभाग ने बनासकांठा, साबरकांठा, पाटन, मेहसाणा समेत उत्तर गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए अहमदाबाद और बनासकांठा के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। और इस बीच पिछले दो दिनों में बाढ़ से प्रभावित इलाकों से 7,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया गया। बाढ़ से राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ के साथ साथ वायुसेना की भी मदद ली जा रही है। जनक, क्या बारिश वहां अभी भी हो रही है और हालात क्या है? देखिए, बारिश रुक रुक कर हो रही है, खासतौर पर बनासकांठा में। बनासकांठा की धानेरा में स्थिति खराब है। वहां पर 4 से 5 फीट पानी सड़कों पर है। तहसील अधिकारी का जो पूरा दफ्तर है पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। न कि केवल बनासकांठा में भी लगातार पिछले रात को, मतलब 7 से 8 घंटे ना इंच बारिश बनास अलग अलग शहरों में दर्ज हुई है, चाहे वो पालनपुर हो, डीसा हो, धानेरा हो। और वहां पर बाढ़ राजस्थान में भी बारिश होने के चलते जो पानी छोड़ा गया उसके चलते धानेरा आस पास के इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हुए हैं। राजा अंग्रेशा स्थानीय प्रशासन एनडीआरएफ की टीमों को वहां पर स्टैंड बाय किया गया था। वहां रेस्क्यू शुरू, दांगद्रा बेस जो गोल्डन आर्मी की दो कॉलम्स है वो भी वहां के लिए रवाना कर दिया गया और रेस्क्यू लार्ज स्केल पर वहां किया गया है। तक जो जानकारी मिली हाल ही में कलेक्टर बनास किया उसके मुताबिक 300 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता बनासकांठा में फिलहाल रेस्क्यू करने की, जो निचले इलाके हैं जहाँ पर पानी भरा है वहाँ से सुरक्षित जगहों पर पहुँचाने की है। बिल्कुल, शुक्रिया जनक। सेल्फी का शौक 3 लड़कों के लिए जानलेवा साबित हुआ। समंदर की तेज लहरों के किनारे सेल्फी लेने का जुनून 3 लड़कों को बहुत भारी पड़ा। उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। यह हादसा द्वीप के नागवा बीच पर हुआ, जहां 4 लड़के समंदर के किनारे एक पत्थर पर खड़े होकर सेल्फी ले रहे थे। वो समंदर के इतने पास खड़े थे कि कई बार लहरें उन्हें छू कर गुजर जा रही थी। इसके बाद भी इन लड़कों ने बेपरवाह ये रहे और सेल्फी ये लेते रहे। इसी बीच अचानक एक तेज लहर आई और इन सभी लड़कों को बहा कर ले गई। दूर खड़ा एक लड़का इन चारों का वीडियो बना रहा था। अचानक हुए इस हादसे में लड़कों को संभलने तक का मौका नहीं मिला और ये सभी समंदर की तेज लहरों में समा गए। घटना के तुरंत बाद बचाव दल मौके पर पहुंचा और डूब रहे 4 लड़कों में से एक को बचा लिया गया, लेकिन 3 लड़के अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें गुजरात के सूरत में भी देखने को मिली, जहां सूरत में समुद्र में नहाने गई 2 बहनें डूबने लगी। जब ये बहनें डूब रही थी तो कुछ युवक उन्हें बचाने कूद पड़े। कड़ी मशक्कत के बाद युवकों ने दोनों बहनों को डूबने से बचा लिया। दोनों बहनें नहाते समय अचानक समुद्र में दूर तक चली गईं और डूबने लगी। इसी दौरान दोनों बहनें मदद के लिए चिल्लाने लगी, जिसके बाद कुछ युवकों ने तुरंत वहां पहुंचकर दोनों को बाहर निकाला। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली हाईवे पर पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर गिरने से रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। नेशनल हाईवे पर हनोगी माता मंदिर के पास ये हादसा हुआ। दूर खड़े एक आदमी ने तस्वीर को अपने मोबाइल कैमरे में दर्ज कर लिया। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पहाड़ का एक बड़ा सा हिस्सा टूटकर हाईवे पर गिरा और रास्ता बंद हो गया। गनीमत ये रही कि घटना के कुछ देर पहले ही वहां से गाड़ियों की जो आवाजाही है उसे रोक दिया गया था। हालांकि हाईवे को खोलने के लिए तुरंत प्रशासन मौके पर पहुंचा और काम में जुट गया। मोहित, क्या रास्ता अभी क्लियर हो पाया है? लोगों को दिक्कतें बहुत हो रही होंगी, उससे निजात पाने के लिए प्रशासन की क्या तैयारी? देखिए, रास्ता क्लियर कर लिया गया है, लेकिन अभी आशंका है कि वहां पर और लैंडस्लाइड हो सकता है। इसी वजह से काफी धीरे धीरे गाड़ियों को निकाला जा रहा है और स्थानीय प्रशासन और बीआरओ के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, और फिर से कोई लैंडस्लाइड की घटना हो तो उससे जल्द से जल्द निपटा जा सके, इसकी तमाम कोशिशें की जा रही हैं। तो 2 तस्वीरें आपके सामने, एक टूटता पहाड़, ये उस वक्त की तस्वीरें जब एक शख्स जो कि कुछ ही दूर पर वहां मौजूद था उसने ये तस्वीरें अपने मोबाइल में कैद कर ली। और दूसरी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, जान की स्थिति है, हालांकि प्रशासन वहां पर मुस्तैद है। अब रास्ता जरूर साफ हो गया है, लेकिन हमारे सहयोगी मोहित जिस तरीके से बता रहे थे वहां पर संभावना अभी और ऐसी ही है, इसलिए एहतियातन लोगों को अभी रोका गया है और एहतियात बढ़ता जा रहा है इस पूरे मामले पर। नोएडा के स्कूल के टीचर पर आरोप लगा है कि उसकी पिटाई की वजह से नर्सरी में पढ़ने वाले एक मासूम की मौत हो गई। मामला नोएडा सेक्टर 63 का है, जहां बच्चे के घर वालों ने स्कूल पर आरोप लगाया
कि 19 जुलाई को एक स्कूल टीचर ने उनके बच्चे की पिटाई की। बच्चे ने घर आकर पूरा वाकया घर वालों को बताया। इसके बाद बच्चे ने खाना पीना छोड़ दिया। घर वालों के मुताबिक 20 जुलाई को बच्चे की तबीयत बिगड़ी, उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां अस्पताल वालों ने इलाज से पहले पैसे जमा कराने को कहा। पैसे नहीं होने की वजह से उस वक्त बच्चे का इलाज नहीं हो पाया, लेकिन देर शाम बच्चे को दोबारा अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे इलाज के लिए भर्ती किया गया। घर वालों के मुताबिक 23 तारीख को बच्चे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने साफ किया कि भर्ती किए जाने के दौरान बच्चे के घर वालों ने स्कूल में पिटाई का कोई जिक्र नहीं किया था। मम्मी इतनी मारी, देखो मेरे जितनी चोट लगाई, फिर बेहोश हो गया। ऐसी कोई भी बात नहीं, इन्होंने हमें बताया कि इसको किसी ने मारा है, पीटा है या इसको कोई चोट लगी है। इलाज के दौरान बच्चे की डेथ हो गई।